हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। आपने थंबनेल पे देखा कि आज का वीडियो इज गोइंग टू बी नवरात्रि स्पेशल, इसलिए बिल्कुल मैं नवरात्रि लुक लेके बैठी हुई कि थोड़ा सा नवरात्रि का फील आए। सो नवरात्रि से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, बट हमेशा की तरह मैं कोशिश करती हूँ कुछ न्यू प्रोवाइड करने का। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दैट आप नवरात्रि में इंस्टेंटली किस तरह से क्राउड से डिफरेंट दिख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कॉमन मिस्टेक हम सब ये करते हैं, ऑब्वियसली नवरात्रि का हर एक रंग सुंदर है, हर एक आउटफिट सुंदर है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि नवरात्रि में ये चीज गलत है या फिर ये सही है, बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप क्राउड से डिफरेंट कैसे दिख सकते हो, पर्टिकुलर ये टॉपिक इसके ऊपर है। सो अगर आप देखोगे तो नवरात्रि में सबके माइंड में ना इसी तरह का चनिया चोली या फिर कुछ कुर्ताज आते हैं, बट अगर आप क्राउड से अलग दिखना चाहते हो तो आप सिंपल सा टिप ट्राई कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे ये देखा था एंड मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा। आप कोई भी वाइट शर्ट के ऊपर अपनी कोई भी स्लीवलेस मिरर वाली जो ब्लाउज है उसको स्टाइल कर सकते हो। इंस्टेंटली ये इतना इंडो फ्यूजन लुक देता है एंड डेफिनेटली अगर आप इस तरह के आउटफिट को फ्लॉन्ट करोगे नवरात्रि में तो सबकी निगाहें आपके ऊपर होगी। तो बिल्कुल एक प्रॉपर ट्रेडिशनल चनिया चोली के साथ ना जाके आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आइडिया है कि आप प्रॉपर मिरर वर्क वाली जो चनिया चोली होती है, चाहे वो रियल मिरर हो या फॉइल मिरर हो, इसमें उसमें एक वेट होता है क्योंकि इसमें घेर बहुत सारा होता है, बट एट द सेम टाइम उसको कैरी करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड स्पेशली तब जब आप न्यू या फॉर फर्स्ट टाइम डांडिया के लिए या गरबा के लिए जा रहे हो। बट हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जब भी बात नवरात्रि की आती है, गरबा की आती है, डांडिया की आती है, मिरर एंड लॉर्ड्स ऑफ कॉरी सेल्स पॉम पॉम ये हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक करता है। तो आपको वाइजली प्ले करना है। आपको करना क्या है कि अभी आप देखोगे पिछले 3 से 4 सालों से मिरर वर्क वाले ब्लाउजेस बहुत ट्रेंड में है एंड मीशो पे स्पेशली ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। आपके वार्डरोब में एक ना एक तो इस तरह का ब्लाउज होगा, तो आपको उस ब्लाउज को निकालना है एंड अपने किसी भी सैटिन की साड़ी के साथ में आप स्टाइल कर सकते हो या फिर कॉटन की साड़ी के साथ में स्टाइल कर सकते हो, बट आप थोड़ा उसे लग्जूरियस फील अगर देना चाहते हो तो आप उसे कॉटन की साड़ी की जगह सिल्क की साड़ी के साथ में या फिर किसी ऐसी साड़ी के साथ में स्टाइल करें जिसमें हल्का सा एक साइन हो जो आपके ब्लाउज को प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट करे। तो एक छोटा सा टिप अपना के आपको गरबा वाली डांडिया वाली वाइब्स भी मिलेगी एंड आप बिल्कुल फर्स्ट फ्री होके आप अपना जो पार्टी है या इवेंट है आप इंजॉय कर सकते। तीसरा आउटफिट आप कैसे बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम अदर्स। जब भी हम गरबा के बारे में सोचते हैं ना तो दूसरा जो माइंड में क्लिक करता है दैट इज़ लॉर्ड्स ऑफ फ्लेयर, चाहे वो आपके स्कर्ट में हो, आपके टॉप में हो, किसी भी फॉर्म में आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि हम सब लड़कियों के वार्डरोब में या फिर जो भी वुमेंस है उनके वार्डरोब में एक पेपलम टॉप तो ज़रूर होगा। चाहे आपके पास किसी भी तरह का पेपलम टॉप है आप उसको यूज़ करिए एंड अपनी स्कर्ट के साथ में उसको टीम अप करके आप एक आउटफिट बिल्ड कर सकते हैं इस नवरात्रि सीजन। मेरा ये व्हाइट कलर का जो मैंने अभी पहन के रखा हुआ है, दिस इज माय 4 ईयर ओल्ड पेपलम टॉप फ्रॉम द ब्रांड सांगरिया एंड स्टिल मेरा हार्ट जो है ना इसमें बसा हुआ है। मतलब आई डोंट वांट टू गिव दिस टॉप टू एनीवन क्योंकि मुझे पता है एक तो ये व्हाइट है एंड इसे मैं डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकती हूँ। तीसरा प्लस पॉइंट है कि दिस इज माई काइंड ऑफ स्टाइल। तो एक पेपलम टॉप को आपने उठाना है एंड अगर आपका पेपलम टॉप ब्लैक है, वाइट है, मतलब सेल्फ डिज़ाइन है, उसमें बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो आप उसे किसी भी स्कर्ट के साथ, बॉटम के साथ आप उसे प्ले कर सकते हो। बट अगर उसमें किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी है या फिर वर्क है तो आपको थोड़ा उसको उससे मैच करना पड़ेगा। तो मैंने एक आउटफिट को बिल्ड किया कि नवरात्रि में चुन्नी सिबोरी प्रिंट हो गया, टाई एंड डाई हो गया, इस तरह के प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक सिबोरी प्रिंट बोलो या फिर टाई एंड डाई प्रिंट के स्कर्ट के साथ इसको टीम अप करा एंड एक अपना आउटफिट बिल्ड कर लिया करके उसको मिक्स एंड मैच करके अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के अब बहुत सारे आउटफिट को बिल्ड कर सकते हैं। मैंने इसके पिछले ईयर मैंने शेयर किया था कि 1 प्लेन कुर्ता एंड 6 हैक्स, डेफिनेटली आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं एंड ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं लास्ट मिनट नवरात्रि हैक्स। इंटरेस्टेड हो मैं दोनों ही वीडियो एड स्क्रीन में पेस्ट कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो। क्राउड से डिफरेंट दिखना चाहते हो तो आपको 2 पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखना है कि आपको ऐसे आउटफिट को चूज करना है जो सबसे पहले आपको नवरात्रि वाइब से एंड दूसरा कि वो
उसमें आप कंफर्टेबल भी हो तो आप सिवोरी प्रिंट्स के कुर्ताज को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इन दिनों इस तरह के कुर्ताज विथ पैच वर्क बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जो आप इस तरह के पैच वर्क देख रहे हो ना, आप किसी भी पुराने तोरण से बना सकते हो, या फिर कोई बंदरवान है आपके घर में उससे भी आप बहुत ही ईजिली एक पैच वर्क अपने कुर्ता के ऊपर क्रिएट करवा सकते हो। तो आप सिवोरी प्रिंट के कुर्ताज में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उसके ऊपर पैच वर्क को आप लगा सकते हो। ये जो आउटफिट आइडिया है बहुत ही सिंपल है एंड आई गेस इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं होगी। हम सबके पास में कुछ शॉर्ट कुर्तीज होती है, अगर आपके पास में कोई शॉर्ट कुर्ती है जो बांधनी प्रिंट का है, मैं हमेशा बोल रही हूँ कि प्रिंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपके पास में कोई सिल्क बेस पे या फिर कॉटन बेस पे आपके पास कोई इंडिगो प्रिंट का या फिर बांधनी प्रिंट का आपके पास कोई भी शॉर्ट कुर्ता है, तो उसे आप किसी भी अपने सलवार के साथ में स्टाइल कर सकते हैं, स्कर्ट के साथ में स्टाइल कर सकते हैं। ये आउटफिट आइडिया ऐसे है जहाँ क्राउड में हम सबके दिमाग में एक ट्रेडिशनल लुक आता है, तो इन सारे आउटफिट को आप क्रिएट करके बहुत ही इजीली, बहुत ही एफर्टलेसली आप क्राउड से डिफरेंट दिख सकते हैं। आउटफिट आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट आइडिया। पहला रीज़न है कि इसमें आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सबके पास में इस तरह का आउटफिट होगा ही होगा, आई गारंटी यू दैट। आपके पास में कोई भी मल्टी कलर का दुपट्टा है अगर इस तरीके का है या फिर इस तरीके का है, आपको सिंपली अपने दुपट्टा को निकालना है एंड किसी भी कॉटन के सूट के साथ में आप उसे स्टाइल करो, क्योंकि जो गरबा नाइट्स होते हैं या डांडिया नाइट्स होते हैं उसमें इस तरह के मल्टी कलर के दुपट्टाज, लहरिया के दुपट्टाज, बंदेज के दुपट्टाज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें अगर आप एक इसका एक न्यू वर्सन मैं बोलूँ कपड़ों का, आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो इस तरह की लेसेस को आप ट्राई कर सकते हैं, बस किनारी में आप लगा सकते हो। बट अगर आप उतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप गोटा फ्लावर ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से कुछ ब्लिंकीनेस ऐड कर सकते हैं। बट आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो एज इट इज अपने दुपट्टा को उठाइए एंड अपने किसी भी सूट के साथ में उसको आप स्टाइल। आउटफिट आइडिया है, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल बेसिक आउटफिट, बट इसको यूनिक बनाएगी इसकी ज्वेलरी। यस, आप अपने किसी भी प्लेन क्रॉप टॉप को, स्पेशली ब्लैक, रेड, नेवी ब्लू या फिर मैं बर्गंडी, ये कलर आपको चूज करने बोलूंगी एंड उसको आप अपने किसी भी कॉटन के फ्लेयरी स्कर्ट के साथ में एंड किसी भी वुमेन्स के वार्डरोब में एक फ्लेयरी स्कर्ट ना हो, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, तो आपको वो स्कर्ट टीम अप करना है एंड उसके साथ ऐड करना है आपको लॉट ऑफ चंक ज्वेलरी, मतलब आपके पास जितनी ज्वेलरी है उस दिन आप यूज कर लो, ऐसा लगना चाहिए कि आप चलती फिरती ज्वेलरी की दुकान हो। तो बस इसमें जो वाइटल रोल प्ले करेगा दैट इज योर ज्वेलरी, एक सिंपल आउटफिट को यूनिक बनाता है नवरात्रि में जंक ज्वेलरीज, क्योंकि ज्वेलरी का स्पेशली हैंड कफ्स, रिंग्स, लॉन्ग पेंडेंट या फिर चोकर, जैसा भी आपको पसंद है, जैसे भी आपकी स्टाइलिंग है उसको आप चूज करें एंड एक सिंपल सा ये बेसिक ज्वेलरी को ऐड करने से आपका होल आउटफिट नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड होगा। नेक्स्ट स्टाइलिंग है गरबा में या फिर डांडियाज में कॉटन के कपड़े या फिर कॉटन के प्रिंट कितने ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लुक लगते हैं, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गरबा एंड डांडियाज में कॉटन के जो सूट्स है या फिर साड़ीज है, स्कर्ट है, उनकी एक अलग ही अहमियत या फिर एक ऐसा एसेंस वो लेके आता है गरबा नाइट्स में, जो उसका चार्म ही अलग है। तो आपके पास इंडिगो में बस बिल्कुल कॉमन आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो हर कोई इम्प्लीमेंट कर पाए एंड एट द सेम टाइम ये बहुत अलग है दूसरों से। सो अगर आपके पास में कोई भी कॉटन इंडिगो प्रिंट की साड़ी है, आप उसको उठाएं एंड मल्टी कलर दुपट्टाज के साथ में लाइक दिस आप उसको स्टाइल कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा कलरफुल प्रिंट हो, लाइक बाघा प्रिंट आप चूज़ कर सकते हो या फिर आप कलमकारी प्रिंट चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कलरफुल ब्लाउज को इसलिए ऐड करने के लिए बोल रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपके आउटफिट में कलर इंक्लूड हो, तो आप इस टिप को भी अपना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉटन की साड़ी है, स्पेशली इंडिगो इज अ वेरी कॉमन, दैट्स वाई आई पिक्ड अप दिस साड़ी, बट अगर आपके पास इंडिगो नहीं है नो इशू, आप कोई अदर साड़ी को पिक कर सकते हो एंड उसको अपने ब्लाउजेस के साथ में स्टाइल कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट आइडिया, इफ आप इंडियन एथनिक वेयर पहनना पसंद नहीं करते हैं, आपने कभी लाइफ में कोई एथनिक वेयर नहीं पहना, लाइक आपको सूट, साड़ी, स्कर्ट, यू डोंट वांट टू वेयर एनीथिंग, नो इशू, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी यूनिक आइडिया, बट फॉर दैट यू हैव टू DIY लिट। आपके पास कोई भी डेनिम की जैकेट है एंड आपको उसको रिसाइकिल करना है फॉर योर गरबा नाइट्स, तो आपको उसको कट कर देना है, अगर वो शॉर्ट है तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक, साड़ी का कोई एक फैब्रिक पड़ा हुआ है लाइक बांधनी में, बट
जितना कलरफुल आप इसको बनाओगे आई गेस उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि समटाइम वी हैव टू कीप दैट ओकेजन इन आर माइंड. जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है. मल्टी कलर की कोई भी फैब्रिक लेनी है एंड आप उस जैकेट के नीचे अटैच कर दो, एंड उस जॉइंट को हाइड करने के लिए इफ़ यू आर नॉट प्रो इन स्टिचिंग यू कैन ऑल्सो ग्लू दैट, तो आप ग्लू भी कर सकते हो एंड उसके ऊपर आपको दैट वो जो लेस है आप कौरी वाली, मिरर वाली या फिर कोई भी ऐसी लेस जो थोड़ी आपको नवरात्रि वाइब्स दे, उस तरह की लेसेस को आप चूज कर सकते हैं एंड स्टिक कर सकते हैं. आप लोकल टेलर से करवा सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने सोचा एंड अब कल उठ के डांडिया में चले गए हैं. सो वी हैव टू प्लान एवरीथिंग. अगर आप कहीं पर आप डांडिया के लिए जा रहे हो तो आपने ऑफकोर्स प्लानिंग करी होगी, तो आप इस तरह से भी अपने पुराने जो डेनिम्स के जैकेट है उसको रिसाइकिल कर सकते हो, क्रॉप टॉप जीन्स एंड वो एक डेनिम का जैकेट जहाँ पे मैंने पेस्ट करा है. मतलब आपका होल जो गेम है ना, स्टाइलिंग गेम, आपने कुछ नहीं करा है, आपके पास चीज़ें वही हैं, पुरानी चीज़ें हैं. आई ऑलवेज यूज टू से कि आप अपने पुराने स्टफ़ को, इट्स बेटर कि हम चीज़ें खरीद के भरते जाए, उससे अच्छा है कि हम अपने पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करें. मैं बहुत चीज़ों को रिसाइकिल करती हूँ. इनफैक्ट मैं छोटे छोटे जो पेपर्स रहते हैं उसको भी रिसाइकिल करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि महंगे चीज़ों से ही महंगे सामान बनते हैं. आपके जो आइडियाज़ हैं ना वो आपकी चीज़ों को महंगा बनाते हैं. सो आप ये भी आइडिया को पिक कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट आइडिया, दिस इज़ माई बोनस टिप फॉर ऑल ऑफ यू. हमने कभी ना कभी अपनी को रिसाइकिल करा है इनटू अ स्कर्ट. सो अगर आपके पास कुछ इस तरह की स्कर्ट है, आप देख रहे हो मैं स्क्रीन पे इमेजेस पेस्ट कर रही हूँ, सो आप इस तरह का एक स्कर्ट को ट्राई कर सकते हो. अगेन हम सबके पास में ये पांच तरह के दुपट्टा में एक दुपट्टा तो ज़रूर होगा. टाई एंड डाई, लहरिया, चुन्नी, बांधनी, कुछ भी आपके पास होगा आपको वो पिक करना है. एंड उसके साथ एक ब्लाउज पिक करना है. ब्लाउज आपका नहीं है, नो इशू, आपकी मम्मी का होगा, आपकी भाभी का होगा. ब्लाउज नहीं है, क्रॉप टॉप है, आप उसको स्टाइल कर सकते हो. इस फैशन इंडस्ट्री ने हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको इतना आसान बना दिया है कि हमें चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है. एंड हम यूट्यूबर्स ने भी बहुत सारा योगदान दिया है हैक्स को यूज़ करके. तो अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ होते हो, लूज ब्लाउज, टाइट ब्लाउज, आपको कुछ भी इशू है, यू कैन चेक माई शॉर्ट्स. प्रमोशन बनता है यार इतनी मेहनत के बाद में. सो या मूविंग ऑन टू द टॉपिक, सो आप इस तरह से एक आउटफिट को बिल्ड कर सकते हो फॉर योर गरबा नाइट्स. यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी, उसको बैंक में रखो एंड जब ज़रूरत पड़े तब पैसे उड़ाओ. आपकी मेहनत का पैसा है तो बहुत सोच सोच के आपको खर्च करना है. या ये था मेरा आज का एक वीडियो कि आप डिफरेंट कैसे दिख सकते हो फॉर योर गरबा नाइट फ्रॉम अदर्स. सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, एंड इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है दैट हाउ यू कैन रीयूज योर ओल्ड शादी दुपट्टाज. सो इफ इंटरेस्टेड एड स्क्रीन में अगेन मैं प्रोवाइड कर दूंगी. सो या अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना. तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.